आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न हमारे सामने है कि कोई एक त्रिभुज एबीसी है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं A4, 6, B1, 5 और C7, 2 और एक रेखाखंड है DE जो इसको इस तरह से काटता है कि AB को D पर और AC को E पर काटता है, ठीक है। और वो इस तरह का विभाजन है कि AD और AB का अनुपात AE और AC का अनुपात 1:4 है। तो ADE के क्षेत्रफल की गणना करें तथा इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये हमारे सामने है A, ठीक है, ये हमारे सामने है B और ये हमारे सामने है C। अब देखिए A के निर्देशांक हमारे सामने है 4, 6, बी के निर्देशांक हमारे सामने है 1, 5 और सी के निर्देशांक है हमारे सामने 7, 2। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, कोई भी ऐसा बिंदु जो इसको 4:1 में विभाजित करता है वो इस तरह का है, ठीक है। ये गलती हो गई, यहाँ से AD इधर ऐसे कुछ इस तरह से विभक्त हो रहा है, ठीक है। ये हो गया DE, तो ये हो गया आपका DE, ठीक है। ये 1:3 है, क्यों? देखिए यहाँ से AD बटे AB हमें दिया हुआ है 1:4, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं AB बटे AD बराबर 4। अच्छा, AB को क्या लिख सकते हैं हम, AD धन DB बटे AD बराबर 4। अब इसको थोड़ा अलग अलग कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा AD बटे AD धन DB बटे AD बराबर 4। तो इसका मतलब यहाँ से मिलेगा हमें DB बटे AD बराबर 4-1, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं यहाँ से जो है DB बटे AD बराबर 3। तो यानी कि DB और AD में अनुपात कितना आ गया, 3:1 का। तो वही इसी तरह का अनुपात यहाँ भी EC और AE में भी आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम D और E के निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। तो ये इतना समझ गए हम, अब हम D और E के निर्देशांक निकालते हैं। तो डी और ई के निर्देशांक निकालने के लिए हम जानते हैं यहाँ पर एम वन, कोई भी रेखाखंड अगर दो बाय विभाजित होता है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, तो एम वन का मान है 1 और एम टू का मान है 3। और यहाँ पर अगर रेखाखंड देखें तो 4, 6 है और 1, 5 है। यहाँ पर यह है आपका एक्स वन, ये है वाई वन, ये है आपका एक्स टू और यह है आपका वाई टू। तो इस स्थिति में जो आपका डी है उसके निर्देशांक कैसे मिलेंगे, हमको पता है इसके निर्देशांक हो जाएंगे एम वन एक्स टू धन एम टू एक्स वन बटे एम वन धन एम टू, ठीक है, कॉमा यहाँ से मिलेगा हमें एम वन वाई टू धन एम टू वाई वन बटे एम वन धन एम टू, ये मिल जाएगा। ये इसके निर्देशांक मिलेंगे डी के। अब इसका मान रख देते हैं, एम वन की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 1, एक्स टू की जगह क्या मान रखेंगे 1 धन, एम टू की जगह 3 और एक्स वन की जगह 4/4। इसी तरीके से एम वन की जगह 1, वाई टू की जगह 5, एम टू की जगह 3 और वाई वन की जगह 6/4। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ से मान मिल जाएगा हमें 4×12=13, 13/4, कॉमा 5×36=18, 5×23, तो 23/4, ये आ गया आपका डी का निर्देशांक। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे ई के निर्देशांक, ई में भी एम वन एम टू यही रहेंगे। अब एक्स वन तो 4,6 रहेगा, एक्स टू की जगह x3/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम निकालना चाहें तो इसकी जगह हम सिर्फ लग सकते हैं यहाँ पर x3/3, वो है 7,2, ये हो जाएगा x3/3। तो अगर आप इसे चाहें तो m1 m3 मान लीजिए, m3/3, ठीक है। तो अब इसको अगर हम निकालें e के निर्देशांक तो क्या मिलेगा हमें, m1 x3 धन m3 x1 बटे m1 धन m3, ठीक है, कॉमा यहाँ से मिल जाएगा m1 y3 धन एम थ्री वाई वन बटे एम वन धन एम थ्री। अब मान रख देते हैं यहाँ से, तो ई के निर्देशांक के लिए एम वन एक, एक्स थ्री का मान क्या है हमारे सामने 7 और एम यहाँ से एम थ्री का मान क्या आ जाएगा हमारे सामने 3 और वाई वन इसकी जगह वाई वन का मान क्या आ जाएगा हमारे सामने 6 सॉरी सॉरी एक्स वन का मान 4, ठीक है, बटे 4, कॉमा 1 × यहाँ से y3 का मान क्या आ जाएगा 2 धन आपके सामने यहाँ से 3 × y1 का मान आ जाएगा 6/ यहाँ से भी 4। अब इसको हल कर लेते हैं, e के निर्देशांक मिल जाएंगे हमें 4×3=12, 12×7=18,
19 बटे चार कॉमा 26 18 दो 20 बटे चार। तो ये यहाँ से मान आ गए हमारे सामने। अब दोस्तों क्षेत्रफल की बात आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे एबीसी का, ठीक है। एडीई का क्षेत्रफल निकालना चाह रहा है, तो डी के निर्देशांक हमें मिल गए, ए के निर्देशांक हमारे पास क्या है 4.6, डी के निर्देशांक हमारे पास 13/4, 23/4, ई के निर्देशांक है 19/4, 20/4, ठीक है। अब हम इसको हल कर लेते हैं यहाँ से सबसे पहले इस, अब आप इसको मान लेते हैं यहाँ पर x1 है, ये y1 है, ठीक है। इसे आप मान लीजिए कि यह है x'y' और यह है x"y", ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 mod x1y' - y" धन x'y" - y1 और फिर x"y1 - y'। अब ये मान रख देते हैं हम इसको दोस्तों, यहाँ से रखेंगे 1/2, x1 की जगह 4, y' की जगह 23/4 और y" की जगह 20/4। इसी तरीके से x' की जगह 13/4, y" की जगह 20/4 और y1 की जगह 6। फिर अब हम दोस्तों यहाँ से x" की जगह 19/4, y1 की जगह हम रखेंगे 6 और y' की जगह रखेंगे 20/4। अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो अब इसको आप हल कर लीजिए, तो यहाँ से मान आ जाएगा 1/2 4 × यहाँ से 23 से 20 जाएगा तो 3/4 डन। यहाँ पर 13/4 × 20 - 24/4, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ से 19/4 और 24 - 23/4। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, 1/2 4 से 4 निरस्त हो जाएगा 3 धन। इस 4 से ये 4 निरस्त होगा तो मिलेगा 13 और -1/4, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि ये 20 से 24 कटेगा तो -1/4 धन 19/4 × 1/4। ये सारे मान हमारे सामने मौजूद है, हम लिखेंगे 1/2 mod 3 - 13/4 धन 19/16। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ से मिल जाएगा 1/2 48 - 52 धन 19। यहाँ से मान मिल जाएगा 1/2, अब 48 और 19 हो जाएगा आपका 67 और 67 से जब 52 जाएंगे तो 67 से जब आपको यहाँ से घटाएंगे 52 तो दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ से 15, तो 15/2 वर्ग मात्रक आ जाएगा, ठीक है 15/2। लेकिन दोस्तों प्रश्न अभी यही खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब इसके बाद जो आ रहा है वो ये मैटर है कि हमें एबीसी का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो एबीसी के लिए भी उसके निर्देशांक लिख लेते हैं। ए के निर्देशांक है 4.6, बी के निर्देशांक है 1.5 और सी के निर्देशांक है 7.2। यहाँ से ये हो जाएगा x1, ये y1, यहाँ से ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3। अब त्रिभुज एबीसी के भी निर्देशांक दोस्तों निकाल लेते हैं और क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 mod x1y2 - y3 धन x2y3 - y1 धन x3y1 - y2। अब इसे हल कर लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 1/2 mod x1 की जगह 4, y2 की जगह क्या हो जाएगा 5 - 2, x2 की जगह दोस्तों क्या मिलेगा 1, y3 की जगह 2 - y1 की जगह 6 और x3 की जगह 7, y1 की जगह दोस्तों 6 और y2 की जगह 5। ये सारे मान अब हम रख देंगे यहाँ पर, 1/2 mod 4, 5 से 2 जाएगा दोस्तों 3 धन, यहाँ से मिलेगा -4 धन 7 × 1। और हम इसको हल कर लेंगे तो मिल जाएगा 1/2 12 - 4 धन 7, तो 12 7 19 और 19 से 4 जाएंगे 15/2। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 15/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ से, अभी हम यहाँ पर ही बराबर आ रहा है दोस्तों, हमारे कहीं गलती हुई है। अच्छा यहाँ पर हमारे सामने 16 आएगा दोस्तों, ये बटे में 16 आएगा जो हम लिखना भूल गए, तो 16 × 2 यहाँ पर आएगा 32, तो ये 15/32 है और वो 15/22 है। तो त्रिभुज ADE / त्रिभुज ABC इसका क्षेत्रफल आएगा 15/32 15/2 1:16 का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। यही हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक
एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।